Hi, my name is Edrat and I'm from Nandi and I love Mirchi FM. Hi, my name is Sony from Canberra. I love listening Mirchi FM online. मैं हूँ उर्मिला देवी आसिया सी तावा से. जितेन शांडिल को और अश्निल को तावा में लॉक कर दिया जाए. हम लोग यहाँ सिंगापुर में Mirchi FM सुनता है. Mirchi FM is hot. I'm Shelly in Tanga Nursery. Mirchi music simply bindas in Nursery. मैं अशफाक वाली लुबुसेन. Mirchi FM मेरे नस नस में. Mirchi FM, it's hot. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ रेतिका प्रताप. कमेटी ऑफ सप्लाई की चेयर डॉक्टर चीको लुवेनी ने आज ऑपोजिशन मेंबर्स को याद दिलाया कि किसी भी विषय पर मोशन रखने के बाद ही डिबेट किया जा सकता है या उस पर स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है. उनका बयान ऐसे समय में आया जब एनएफपी लीडर विमान प्रसाद ने नंबोरो लैंडफिल पर एक मोशन को रखते हुए ये जानने की मांग की कि क्यों लैंडफिल को $1.2 million का सब्सिडी दिया जा रहा है. प्रसाद ने कहा कि जब तक उन्हें स्पष्टीकरण नहीं मिल जाती वे मोशन को नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्हें मोशन को रखने से पहले सवाल करने का मौका दिया जाए. मिनिस्टर ऑफ इकॉनमी एया सैयद खयूम ने जवाब में कहा कि बहुत कम अपोजिशन मेंबर्स रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से क्लेरिफिकेशन की मांग करते हैं. उनका कहना है कि उनके दरवाजे हमेशा अपोजिशन मेंबर्स के लिए खुले हैं. हालांकि प्रसाद ने इसका विरोध किया. उनका दावा है कि उसने कई बार मिनिस्टर्स के पास लिखा है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. कमेटी ऑफ सप्लाई की चेयर डॉक्टर चीको लुवेनी ने ये फैसला सुनाया कि मेंबर्स केवल मोशन को रखने के बाद क्लेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं, क्योंकि मोशन से पहले डिबेट करना समय की बर्बादी और डुप्लीकेशन है. अपोजिशन मेंबर्स से आज मांग की गई कि वे विषयों पर बहस करते समय प्रेसिडेंट का नाम न लें. ऐसा तब जब विल्यामे गवोका ने इस विषय को उठाया कि उन्होंने साइक्लोन विंस्टन के बाद स्पेशल पार्लियामेंट सीटिंग की मांग की थी. गवोका दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सभी प्रोसीजर्स का पालन किया था लेकिन प्रेसिडेंट ने संसद की बैठक नहीं बुलाई. मिनिस्टर ऑफ इकॉनमी अयाज सैयद खयूम ने इसके बाद मांग की कि अगर अपोजिशन ने सही लीगल एडवाइस नहीं ली है तब वे इस मामले में प्रेसिडेंट के नाम को न उठाएं. फिजी पुलिस फोर्स ने अपने इमरजेंसी लाइंस पर सुधार की है. ऐसे तब जबकि दो डेडिकेटेड पुलिस इमरजेंसी नंबर्स 917 और 919 को लेकर कई चिंताएं व्यक्त की गई थी. 917 पर जो कॉल्स आते हैं वे केवल पुलिस इमरजेंसीज के लिए हैं और अब इसे केवल सुबह लौटों का और लंबस स्थित कमांड सेंटर्स में रिसीव किए जाएंगे. पुलिस कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल सतीवेनी गलिहो ने ये स्वीकार किया है कि पहले कोर्स को अन्य डिविजन्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था और लापरवाही की वजह से अनिवार्य स्टेशंस को दी गई शिकायत की जानकारी नहीं दी जाती थी. इस वजह से इस सेवा के खिलाफ भारी मात्रा में शिकायत की जा रही थी. पुलिस आशावादी है कि वे कदम उठाने से उनके कम्युनिकेशन सेवाओं को सुलझाया जा सकेगा और वे जल्द से जल्द की गई रिपोर्ट्स पर काम कर सकेंगे. और खेलकूद में वोडाफोन फीजी सेवन यूटिलिटी एमओसी मोलेवोरो के पैर में चोट लगने से वे अगले चार दिनों तक ट्रेनिंग में भाग नहीं ले पाएंगे. मोलेवोरो को आज सुबह अपराइजिंग रिजोर्ट ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी. फिलहाल आज तुलोन बेस्ड विंग जोशुआ तुइसोवा ने लाइट ट्रेनिंग रन में भाग लिया. कोच बेन रायन से शनिवार तक 3 से 4 प्लेयर्स ड्रॉप करने की संभावना है. रायन अगले शनिवार को अपने फाइनल स्क्वाड को नेम करेंगे. ये थे आज के मुख्य समाचार. याद रहे समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्च एफएम को सुन सकते हैं. शुभ रात्रि. नाम याकूब खान है. रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है. हमारे कोरवांगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज़्यादा सुनते हैं. रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम. प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ. पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ. मैं देवेंद्र विजय वनीबाऊ के रहने वाला हूँ. रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है. रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन.